आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटे की लालटेन के 646वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज लोकसभा चुनाव में किस तरह का माहौल चल रहा है, किस तरह की भाषणबाजी चल रही है, इस पर चर्चा करते हैं। राहुल मोदी के बीच सिमट कर रह गई है इस बार आम चुनाव की धुरी। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, शिक्षा, परिवहन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर तलवारें पूरी तरह बोथ रही हैं। एक दूसरे पर हमारे आदित्य लांछन लगाने पर पूरा जोर है। निम्ति की लालटेन के 646वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। देश में सियासत अपने स्तर से बहुत नीचे जा चुकी है। राजनीति में मर्यादाओं की लक्ष्मण रेखा कभी की लागी जा चुकी है और वर्जनाएं भी पूरी तरह तार तार हो चुकी हैं। राजनीति में गिरावट 20वीं सदी पिछली सदी के 90 के दशक में महसूस की जाने लगी थी। 21वीं सदी के तीसरा दशक चल रहा है। तीसरे दशक में सियासी माहौल में बहुत ज्यादा गंदगी खुल चुकी है। आज सबके लिए जनहित के बजाय स्वहित ही सर्वोपरि दिख रहा है। अधिकारी हो या चुने हुए नुमाइंदे, कहने को तो वे सभी जनता के सेवक कहलाते हैं, पर जनता की परवाह किसे रह गई है, ये विचारणीय प्रश्न है। वर्तमान समय में देश में आम चुनाव जारी है। इन चुनावों में सत्ताधारी के दल के नेता हो या विपक्ष के नेता, सभी अपने अपने भाषणों के में स्तर को बहुत पीछे छोड़कर रखा हुआ है। उनके द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या विपक्ष के नेता, विपक्ष के राहुल गांधी, कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, सभी ने न केवल गरिमाहीन अमर्यादित व तथ्यहीन भाषण उनके द्वारा दिए जा रहे हैं, वरन आरोपों की गरिमा के अनुसार, उनकी जो पद की गरिमा के अनुसार नहीं लग रहे हैं। अंग्रेजी के कहावत है, मैन नोज बाय द कंपनी ही कीप्स, अर्थात एक व्यक्ति अपने अपनी संगत के कारण पहचाना जाता है, संगत से ही पहचाना जाता है। आप अपने इर्द गिर्द जिस तरह के लोग रखेंगे, आपकी मानसिकता वैसी होने की संभावनाएं बहुत अधिक होती है। आश्चर्य तो इस बात पर होता है कि इन जिन भी महानुभावों के द्वारा इन नेताओं के लिए भाषण लिखे जाते हैं, क्या वे उन लिखे भाषणों को एक बार भी पढ़ने की जहमत नहीं उठाते हैं? या फिर अपने मन से इस तरह की मर्यादित और गरिमाहीन बातें उनके द्वारा कही जा रही, जो वास्तव में बहुत चिंता की बात मानी जा सकती है। बात अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाए, तो उनके द्वारा 10 साल के शासन में जो कुछ भी किया, उसका बखान थोड़ा बहुत किया जा रहा है। इन 10 सालों में देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उद्योग धंधे, लोगों की क्रय शक्ति आदि पर की अगर आप बात करेंगे, तो प्रधानमंत्री के सारे दावे हवा हवाई ही नजर आते हैं। सरकार के द्वारा क्या किया गया है? क्या रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए बनाया गया था, उनके परिवहन के लिए बनाया गया था, या लाभ मुनाफा कमाने के इसका साधन रेलवे हुआ करती थी? आज सवारी गाड़ियां लगातार विलंब से चल रही, और विलंब एक दो घंटे नहीं, बहुत विलंब से चल रही है। शिक्षा की अगर बात करें, तो शिक्षा माफिया पूरी तरह हावी दिख रहा है। स्वास्थ्य के मामले में अगर आप देखें, तो स्वास्थ्य सुविधाएं ही वेंटिलेटर पर नजर आती हैं। अगर आयुष्मान कार्ड की अगर आप बात करें, तो आयुष्मान कार्ड धारकों को निजी अस्पतालों में किस तरह लूटा जा रहा है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। बिल देयक कितने बढ़ चढ़ कर बनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। भ्रष्टाचार का चारों तरफ बोलबाला है। रोजगार के साधनों का अभाव साफ परिलक्षित हो रहा है। महंगाई अपने शीर्ष पर ही चल रही है। देश के युवा नशे की गिरफ्त में जकड़े नजर आते हैं। अपराध की संधि सुरंग की फिसलन भरी राहों पर युवा फिसलता नजर आ रहा है। इस सब के बाद भी भाजपा के नेता, विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस पर हमलावर दिखते हैं। उनका पूरा का पूरा फोकस राहुल गांधी पर ही दिख रहा है। भाजपा के दूसरे नेताओं का कद नरेंद्र मोदी के सामने बहुत ही कम नजर आता है। दूसरे दल, विशेषकर कांग्रेस के नेता, ऑपरेशन लोटस
उसके जब चलते जिस तरह जिस तादाद में अपनी पार्टी छोड़कर भाजपा की ओर रुख कर रहे हैं, उसका संदेश भी बहुत अच्छा जाता हुआ नहीं दिख रहा है। वहीं दूसरी ओर विपक्ष विशेषकर कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस की ओर से जो कुछ किया जा रहा है उस पर अगर आप नजर डालते हैं तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के होने के बाद भी राहुल गांधी का कद मल्लिकार्जुन खड़गे से कहीं बड़ा प्रतीत होता है, जो अपने आप में किसी बड़े आश्चर्य से कम नहीं है, वाकई कम ऐसे किसी आश्चर्य से कम नहीं माना जा सकता है। देश पर आधी शताब्दी से ज्यादा राज करने वाली कांग्रेस आज महज 3-4 राज्यों में सिमट कर रह गई है। इस बारे में चिंतन मनन करने की फुर्सत ना तो राहुल गांधी को नजर आ रही है, ना ही कांग्रेस के आला नेताओं को ही इससे कोई सरोकार नजर आ रहा है। राहुल गांधी के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ही आरोप लगाए जा रहे हैं। राहुल गांधी का पूरा फोकस प्रधानमंत्री के ऊपर है। देश की जनता ये भी पूछती नजर आती है कि जिन बातों जिन आरोपों को राहुल गांधी के द्वारा जनता के समक्ष रखा जा रहा है उन बातों को राहुल गांधी सहित कांग्रेस के संसद सदस्य लोकसभा या राज्यसभा में चर्चा करने अपनी बात वजनदारी से रखने की बजाय बहिर्गमन का आसान रास्ता क्यों अपनाते नजर आए। वास्तव में चिंता इस बारे में भी बात होनी चाहिए। राहुल गांधी को इस बारे में विचार करना चाहिए कि आखिर क्या वे वजहें क्या रही हैं जिनके चलते एक के बाद एक सैकड़ों की तादाद में कांग्रेस के स्थापित लोकल स्तर पर, स्थानीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित स्तंभ माने जाने वाले नेताओं ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलतियां तो रही ही होंगी। वैसे कांग्रेस के अंदर खाने से जो छन छन कर बाहर खबरें आ रही हैं, जो चर्चाएं आ रही हैं, उसके अनुसार कार्यकर्ता अपना परिवार कैसे पाली, ये सबसे बड़ी बात अभी सामने आई है। वो आजीविकोपार्जन के लिए उसके पास साधन क्या है? जब सरकार ही नहीं रहेगी तो कार्यकर्ताओं को प्रत्यक्ष परोक्ष तौर पर मिलने वाले छोटे छोटे काम कौन दिलाएगा? किसी भी राजनीतिक दल के शीर्ष नेता को ये नहीं भूलना चाहिए कि पार्टी का अस्तित्व नेताओं से नहीं कार्यकर्ताओं से होता है। इसलिए कार्यकर्ताओं को सहेजना, कार्यकर्ताओं की भावना को समझना बहुत जरूरी है, जो शायद नहीं कर पा रहे हैं सियासी दल। बहरहाल अड़ानी और अंबानी का नाम लेकर राहुल गांधी के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार घेरा जाता रहा है। अब नरेंद्र मोदी ने अड़ानी अंबानी के नाम पर ही राहुल गांधी और कांग्रेस पर पलटवार करना आरंभ कर दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री का ये कहना था कि पहले तो कांग्रेस के शहजादे, जिस शहजादे का आशय संभवतः राहुल गांधी से था, उनका कहना था कि पहले तो कांग्रेस के शहजादे दिन और मैं कई बार अड़ानी और अंबानी का नाम जपते थे इस चुनाव प्रचार में, उन्होंने इन उद्योगपतियों का नाम लेना क्यों बंद कर दिया? क्या रातों रात कोई डील हो गई या उन तक बोरों में नोट पहुंच चुके हैं इस बारे में एक प्रसंग आपको बताना लाजमी होगा कि लगभग एक डेढ़ दशक पहले एक विवाह समारोह में अंतरराज्यीय जो दो स्टेट्स के बीच में परिवहन की जांच चौकी है, वहां तैनात एक पुलिस निरीक्षक, चूंकि पुलिस के निरीक्षक ही डेपुटेशन पर परिवहन विभाग में जाते थे, हास परिहास के दौरान उन निरीक्षक जिनकी तैनाती वहां थी उनके द्वारा कहा गया कि अब वापस लौटने का मन हो रहा है अपने विभाग में, बोर हो चुके हैं परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली से। उनके एक ही साथी ने चुटकी लेते हुए कहा कि बोर हो गए या बोरों से हो गए, अर्थात बोरों से नोट हो गए। फिर क्या था, समूचे माहौल में ठहाके गूंजते नजर आए। बहरहाल अब प्रधानमंत्री के बोरों से वाले बयान को क्या समझा जाए? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री जैसे जिम्मेदार पद पर बैठे हुए नरेंद्र मोदी के द्वारा बोरों से नोट पहुंचने की बात कही जा रही है,
क्या वे इशारा कर रहे हैं? क्या बोरों से नोट पहुंचने के बाद भ्रष्टाचार को शिष्टाचार में तब्दील किया जाता है? अगर ऐसा है तो वास्तव में देश के लोकतंत्र के लिए बहुत ही निराशाजनक माना जा सकता है। इस बार चुनावों में बाकी सारे मामले गौड़ ही नजर आ रहे हैं। चुनाव मोदी वर्सेस राहुल ही प्रमुख तौर पर हावी दिखाई दे रहा है। जनता से जुड़े मुद्दे गायब हैं। ये भी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए घातक ही माना जा सकता है। इस पर सियासी नेताओं को विचार करना चाहिए। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी के लालटेन के 646वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी के लालटेन अन्य खबरें देखना है तो समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के वेबसाइट या साई न्यूज के न्यूज चैनल पर जाकर आप इसे देख सकते हैं। अगर आपको ये सारी खबरें पसंद आ रही हो तो आप इन्हें लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको ये सारी खबरें कैसी लग रही हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिमटी की लालटेन का 647वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।